वीडियो देखने वाले सभी किसान भाइयों को मेरा सत श्री अकाल नमस्कार जी। आज इस वीडियो में हम बातचीत करने वाले हैं कि जब हम वेस्ट डिकम्पोजर का कल्चर तैयार कर लेते हैं तो एंड में हमको उसका कलर कैसा दिखाई देता है, हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे ये रेडी हो चुका है। हम सभी को पता है कि कम से कम गर्मियों में 2 दिन लेता है तैयार होने में, और सर्दियों में और अगर कोई और टेम्परेचर चल रहा है किसी एरिया में तो कम से कम ये 5 से 7 दिन लेता है। कृष्ण चंद्रा डॉक्टर जी द्वारा भी यही बताया गया है और जग्गा सिंह जी द्वारा भी इसकी इन्फॉर्मेशन दी गई है लोगों को। इसके तैयार होने के बाद कैसा कलर बनता है उसके रिगार्डिंग काफ़ी किसान भाइयों के अंदर मन के अंदर बहुत से डाउट पैदा हो गए हैं कि ऐसा कलर होना चाहिए तभी ये बढ़िया काम करेगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, कैसा भी कलर बनता है, इसका डार्क कलर भी आ रहा है, डार्क ब्लैक भी आ रहा है, ब्राउन कलर भी आ रहा है, क्रीम कलर भी आ रहा है, दूधिया कलर भी आ रहा है, इसका लाइट ऑरेंज कलर भी बन रहा है इसका। मतलब उसके पीछे क्या कारण है मैं पूरा इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ, आपके माइंड का फुल डाउट क्लियर करने वाला हूँ। इसलिए सभी किसान भाई इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए और दूसरे भाइयों के साथ शेयर कीजिए, उनको जागरूक कीजिए कि ऐसी कोई बात नहीं है, जैसा भी कलर बन रहा है ये बढ़िया ही बन रहा है। जब हमने पहला वीडियो डाला था कि वेस्ट डिकम्पोजर क्या है, ये कैसे काम करता है और कैसे इसको मंगवाया जा सकता है, तो बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि नीचे कि इसको हमें कहाँ से मिल सकता है, पंजाब में कहाँ से मिल सकता है, अरुणाचल प्रदेश में कहाँ से मिल रहा है। उसके लिए हमने वीडियो डाल रखा है कि पूरे इंडिया में कहाँ कहाँ से ये मिल सकता है, उनके मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस वगैरह उस वीडियो में बताए गए हैं, पूरा प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दिया गया है। सभी किसान भाई उसको देख सकते हैं और दूसरे जिनको नहीं पता है उनके साथ शेयर कर सकते हैं। सभी किसान भाइयों के माइंड का डाउट क्लियर करना चाहता हूँ कि आपको पता कैसे चलेगा ये रेडी हो गया है। आपको तब पता चलता है जब ये मतलब कम से कम 5 दिन सर्दियों में और गर्मियों में 2 दिन में रेडी हो जाता है, तब आपको पता चलता है, क्योंकि इसमें से अच्छी खुशबू आने लगती है, सुगंध आने लगी है। जैसे गन्ने के जूस में सुगंध आती है ऐसी इसमें सुगंध आने लगती है, तो उससे पता चल सकता है कि ये रेडी हो गया है। अब बात करते हैं कि कल्चर तैयार होने के बाद इससे कई तरह के कलर सामने आ रहे हैं, जैसे कि रेड आ रहा है, लाइट रेड आ रहा है, लाइट ब्राउन आ रहा है, क्रीम कलर आ रहा है, दूधिया कलर आ रहा है, या वाइट कलर आ रहा है, या किसका प्रॉपर वाइट आ रहा है, या पीला कलर भी आ रहा है, किसी का लाइट ऑरेंज कलर आ रहा है। जैसे मैंने बनाया एक बार, लाइट ऑरेंज कलर आया। कल्चर के कलर आने का मेन रीज़न क्या है मैं वही आपको बताना चाहता हूँ इस वीडियो में। उसमें 2-3 कारण पीछे उसके हैं, उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। सबसे पहला कारण है जो सब लोग यूज़ कर रहे हैं, मतलब जो पानी में गुड़ डाल रहे हैं, 1% हमने जो गुड़ का घोल बना के डालना है उसमें, वो सबका सेम नहीं है। मतलब गुड़ अलग अलग फैक्ट्री से आया हुआ है, कैसे उसको तैयार किया गया है उसका, मतलब जो गुड़ का कलर है वो भी सेम नहीं है। कहाँ पे ब्राउन है, लाइट ब्राउन है, डार्क ब्राउन है, रेड है, पेल है, या मतलब पीला सा है, और गुड़ की क्वालिटी भी अलग अलग सब स्टेट्स में अलग अलग है। दूसरा इसका कलर आने का रीज़न है पानी, जो पानी हम इसका कल्चर तैयार करने के लिए यूज़ कर रहे हैं, कोई नहर का पानी यूज़ कर रहा है कोई किसान भाई इसका ग्राउंड वाटर यूज़ कर रहा है, तो उसकी वजह से भी जो कलर है वो अलग अलग आ रहे हैं। और तीसरा जो मेन रीज़न है सभी किसान भाइयों के जो कल्चर के कलर अलग अलग आ रहे हैं, उनका तीसरा रीज़न ये है कि सब जगह टेम्परेचर सेम नहीं है, सब जगह जो एनवायरनमेंट है, क्लाइमेट है, वो सेम नहीं रहता है, वो कहीं ज़्यादा गर्म है, कहीं ज़्यादा ठंडा है, तो उसकी वजह से भी जो कलर है वो डिफरेंट आ रहा है। एक और मैं किसान भाइयों के मन का डाउट क्लियर करना चाहता हूँ कि बहुत सारे मेरे को भी कमेंट देखने को मिलते हैं कि इस तरह की सीसी ये ओरिजिनल है, ये डुप्लीकेट है, ऐसा कुछ भी नहीं है। दोनों ही सीसी, जितनी भी तरह की आप सीसी देख रहे हो, 3 तरह की सीसी में ये मिल रहा है, वो ऐसा हुआ है कि ज़्यादा इसकी अभी डिमांड बहुत ज़्यादा मिल गई है, वो इतना स्टॉक पूरा नहीं हो पा रहा है, और जितना स्टॉक बन पा रहा है उतना ही वो अलग अलग सीसी में आ रहा है। तो ये माइंड अपने से निकाल दीजिए कि ये कौन सा ओरिजिनल है, सभी ओरिजिनल हैं, बस आपने तैयार करना है। और एक मैं और सभी किसान भाइयों को रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जिसने डीकम्पोजर मंगवा लिया है, यूज़ कर रहे हैं, वो और किसानों को इसके बारे में जागरूक करें और वो अपना तैयार किया हुआ कल्चर 10 लीटर 20 लीटर जितना भी वो दे सकते हैं दूसरे किसान भाइयों को दें, ताकि उनको भी बेनिफिट हो। अगर जिस पूरे देश में वांटा इसको स्प्रेड करना बहुत मुश्किल है, बहुत से मतलब 9 लोकेशन में तो अभी तक ये अवेलेबल हो पाया है पूरी इंडिया में, जो ये हमारे जो ऑर्गेनिक सेंटर बने हुए हैं। अभी भी किसान भाई जो इसको ख़रीदना चाहते हैं वो अभी भी वीडियो में कमेंट नीचे आने वाले हैं कि इसको कहाँ से ख़रीदें। मैंने वो वीडियो पहले डाल रखी है, लेकिन मैं उसकी पूरी डिटेल आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ। जितने भी मेरे पास मोबाइल नंबर है किसानों के हैं, या कोई ऑर्गेनिक सेंटर बने हुए हैं जो हमारे इंडिया में, तो उनका पूरा डिटेल मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। अगर फिर भी कोई माइंड में क्वेश्चन बाकी रहता है तो नीचे कमेंट में हमें बताइए, हम उसका जल्दी से जल्दी रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे।
और सभी किसान भाइयों को कहना चाहता हूं कि वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अगर हमारे चैनल पर आप वीडियो देखने वाले नए हैं, नए किसान भाई हैं, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकॉन भी साइड में दिया हुआ घंटी का बटन दबाइएगा, ताजो हमारी हर नई वीडियो का अपडेट जो आपको मोबाइल पर सबसे पहले मिलता रहे। हम हर रोज़ नई नई वीडियो अपलोड करते रहते हैं खेतीबाड़ी से रिलेटेड। किसी भी माइंड में कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट में बताइएगा, हम उसका रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। और कोई भी न्यूज़ पब्लिश होती है खेतीबाड़ी के रिलेटेड, किसानी के मुद्दे के रिलेटेड, तो हम उसको वीडियो एज ए वीडियो अपलोड कर देते हैं। अब तक 30 वीडियो अपलोड हो चुकी हैं जो बहुत ही किसान भाइयों ने लाइक किया, शेयर किया है। उन सभी भाइयों का थैंक यू। आगे मिलते हैं नई वीडियो में। थैंक यू सभी किसान भाइयों का, बहुत बहुत धन्यवाद जी।